तो गाइस यार आज बहुत दिनों बाद, बड़े दिनों बाद कोई वीडियो शूट कर रहे हैं और वो भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता था यार कि मैं और मेरे साथ तीन लोग और थे टीम में जो कि कोविड पॉजिटिव थे। तो एहतियात बरतते हुए हमने क्या किया कि खुद का ख्याल रखा, जो प्रिकॉशंस रखने होते हैं वो लिए, जो जो अपन देसी अपने जुगाड़ करते हैं स्टीम वगैरह लेना या फिर जो देसी इलाज होते हैं वो सब भी किए, और खुद को वैसे जनरली 15 दिन तक खुद को दूसरों से अलग रखा जाता है, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम 15 नहीं 21 दिन तक खुद को दूसरों से अलग रखेंगे। तो अब फाइनली 21 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और करीब करीब हम सभी लोग नेगेटिव हैं। और हाँ, लेकिन जो पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं वो अभी भी हैं, लेकिन उस तरीके से हम नेगेटिव हैं। और गाइज यार इसी बीच के अंदर, जी हाँ गाइज, इसी बीच के अंदर काफ़ी लोगों ने इंटरनेट पर मेरे मरने की खबर फैला दी। बोले मिस्टर इंडियन हैकर अब नहीं रहे। तो गाइस यार एक चीज बता दो, ऐसे नहीं मरने वाला मैं। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, और जिस दिन मैं मरूंगा ना उस दिन आपका दिल खुद कह देगा कि यार अब अपना जो भाई है ना वो इस दुनिया में नहीं रहा है। आपकी भी आंखों से एक ना एक आंसू तो जरूर आएगा, ये मेरा पर्सनली दिल कहता है। और साथ ही साथ गाइस यार, जब मैंने वो कोविड वाली वीडियो डाली थी ना, नीचे आप लोगों के जो कमेंट्स आए ना भाई, उन्हें पढ़ के दिल खुश हो गया कि यार कितने लोगों को अपनी फिक्र है। और ऐसे ही गाइस आपको सभी लोगों की फिक्र करनी है। देखो यार, मैंने इस चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से अपने को टेंशन लेनी हो या फिर जिसकी वजह से अपने को डरना हो यार कि यार बहुत बड़ी बात होगी। अगर किसी को कोविड हो भी जाए ना तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है थोड़ी सी सावधानी रखने की। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको मतलब कि थोड़ा सा अपने को दूसरे लोगों से दूर रखना है, और साथ ही साथ डॉक्टर से सलाह लेने के बाद जो दवाइयाँ हैं उन्हें टाइम टू टाइम लेना है, और जैसे वो बताए वैसे लेना है, ठीक हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, दो तीन दिन बुखार रहती है, उसके बाद में कुछ सिम्टम्स आते हैं, स्मेल चली जाती है नाक की, और टेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि टेस्ट नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे वक्त के साथ में सब कुछ सही हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि यार मेरे को स्मेल नहीं आ रही है ना, और टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन अब टेस्ट भी वापस आ गया, स्मेल अभी आधी आधी है, दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन है कि कौन सी स्मेल किस चीज़ की है, तो स्मेल भी धीरे धीरे आ रही है, आ जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और लास्ट में आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि खुद का ख्याल रखो, दूसरों का ख्याल रखो, जो भी सरकार अपने को बताती है कि कैसे क्या करना है उन सभी गाइडलाइंस का पालन करो, ताकि जल्द से जल्द इस मुसीबत से अपन छुटकारा पा सके और फिर से बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल जिंदगी जी सके जैसा कि पहले जिया करते थे। और हम भी फटाफट से क्या करेंगे कि फिर से वीडियोज बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब रहा नहीं जाता, अब तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है। तो गाइस ये अपडेट थी ताकि मतलब जो झूठी खबरें हैं उनसे मैं देख लो सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मेरे साथ जो तीन लोग और पॉजिटिव आए थे वो भी ठीक हैं, सब कुछ बढ़िया है। अब काम पे लौटते हैं, ठीक है गाइस। तो जल्द मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। हाँ, 5 किलो वजन कम हुआ था मेरा भी, पहले 70 था अब 65 है, धीरे धीरे वजन भी बढ़ाना पड़ेगा, और वो बढ़ेगा वीडियोज बनाने से, आप लोगों के साथ में चीजें शेयर करने से। बाय बाय।